यो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रो कूलम, पहला जो आवेश है वो दे रहा है 1.0 माइक्रो कूलम और दूसरा जो आवेश है वो दे रहा है आपसे कह रहा है माइनस के 0.25 माइक्रो कूलम है। वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है वो है 0.40 मीटर, इतनी दूरी पर स्थित है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि बराबर दूरी पर रखे, बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए जहाँ पे क्या हो कोई भी बल कार्य ना करे। तो देखो समझो, एक आवेश हो गया ये आपका पहला आवेश हो गया Q1, ये हो गया दूसरा Q2। इसमें कह रहा था इसका जो मान दे रहा है वो दे रहा है प्लस के 1.0 माइक्रो कूलम और इसका जो मान दे रहा है वो दे रहा है माइनस के 0.25 माइक्रो कूलम। इनके बीच की जो दूरी है वो है 0.540 मीटर। कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखे जिस पर वैद्युत बल का जो परिमाण हो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो एक चीज़ समझो, अगर इसके कारण Q1 के कारण अगर हम बीच में कहीं रखते हैं मध्य बीच में, तो वहाँ पे इसके मध्य में कहीं पे रखते हैं तो इसका जो Q1 का मान होगा वो उसके कारण इसकी डायरेक्शन क्या होगी प्लस का है तो ये 100 होगी, और इसके कारण माइनस के कारण भी वैद्युत बल की डायरेक्शन क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो होती वही वैद्युत बल की होती वो भी इस तरफ होगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे जब सेम डायरेक्शन में होंगे, और कभी भी दो भौतिक राशियाँ जुड़ने के बाद कभी भी शून्य मान नहीं आ सकता, मतलब मान कब शून्य होगा जब घटेंगे। तो घटने के लिए हम क्या करें कि हम छोटे आवेश की तरफ इससे हमेशा छोटे वाले की तरफ कम मानेंगे, क्योंकि इस तरफ मानेंगे तो इस तरफ इस वाले का तो प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और इस वाले का ज़्यादा होगा, तो अपोजिट होके तो ये दोनों 0 बना ही नहीं सकते, तो हमेशा कम वाले की ओर मानेंगे। तो कम वाले की ओर मानेंगे कि हमने यहाँ पे माना एक बिंदु P है, इससे कितनी दूरी पर, x मीटर की दूरी पर, जहाँ पे वैद्युत बल जो होगा वो क्या होगा किसी तीसरे आवेश को रखें तो 0 होगा। अब देखो कैसे, तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगी इस बिंदु P पर वो क्या होगी, इस तरफ होगी F2 के कारण, ठीक है, या इसको B मान लो A मान लो इसको B मान लो, तो B के कारण अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे B के कारण P पर डायरेक्शन बल, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इसके कारण निकालना है बी के कारण, ए के कारण निकालेंगे इस पर तो ये प्लस, और प्लस के कारण डायरेक्शन दूर की ओर होती है तो इसके कारण इस तरफ होगी, तो ये हो जाएगा FAP। जब डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी तो दोनों आपस में क्या होंगे, घट के क्या बना देंगे, शून्य मान बना देंगे। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो निकालेंगे माना माइनस 0.25 माइक्रो कूलम आवेश के दाईं ओर, उसके दाईं ओर है, दाईं ओर कितनी दूरी पर, x मीटर की दूरी पर यदि कोई आवेश रखे तो उस पर वैद्युत बल शून्य होगा, परिणामी वैद्युत बल शून्य होगा। ठीक है, परिणामी वैद्युत बल कब शून्य होगा, जब F=0 होना चाहिए, और F=0 का क्या होगा जब दोनों घटेंगे, तो घटेंगे कब, जब क्या है BP और इसकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, मतलब BP में क्या घटना चाहिए, AP = 0। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BP = क्या, FAP। यहाँ पे अगर हमने कोई आवेश मान लिया क्यों, तो इस पर जो बल कार्य करेगा तो बल का मान होगा 1/4π0। इस पर Q का जो मान दे रहा है वो दे रहा है 0.25 माइक्रो कूलाम को कूलाम बल देंगे 10^-6, और उस पर जो आवेश दे रहा है वो दे रहा है Q अपॉन होता है R², तो R का मान यहाँ पे कितना दे रहा है X, तो X² हो जाएगा। अब इसके कारण जो दूरी होगी देखो, तो ये 0.4
तो ये है ही, और इसमें ये एक्स और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगी इतनी दूरी। तो इस पर जो बल का मान होगा 1/4π ε₀, Q1 की जगह रखेंगे 1 μC, कूलाम बल देंगे 10⁻⁶, Q2 आपको दे रहा है Q, और अपॉन आर स्क्वायर तो आर की जगह पे रख देंगे 0.40 प्लस एक्स मीटर इसका स्क्वायर। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इससे आपका ये कट रहा है 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कट रहा है, क्यू से क्यू कट रहा है, ये आया 0.25 अपॉन एक्स स्क्वायर 1/0.4, इसको जीरो लिखो या ना लिखो, एक्स का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे, जब वर्गमूल लेंगे तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 0.5 आएगा, इसका जो होगा एक्स आएगा 1/0.4 प्लस एक्स, इसका इधर गुणा करेंगे तो 4 × 5 हो जाएगा 20 आया, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव इसमें, 1 अंक बाद दशमलव इसमें, एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा प्लस के 0.5x इक्वल, एक्स का गुणा एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.20 इक्वल एक्स माइनस ये आ जाएगा 0.5x। इसका मतलब ये एक एक्स है और ये 0.5 है, तो एक में जब 0.5 घटेगा क्या आएगा 0.5, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो हो जाएगा 0.5x, ये दे रहा है 0.2, इसका मतलब यही हुआ दशमलव के बाद जीरो का कोई मात्र नहीं, अगर उस तरफ कोई अंक नहीं है तो ये दशमलव से दशमलव कट गया, x का मान आ गया 2/5, 5 से भाग देंगे 2 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा 5 × 20, तो इससे कितने मीटर की दूरी पर, Q2 आवेश से 0.40 मीटर की दूरी पर क्या होगा, बाहर की ओर वैद्युत बल जो का इस और इसके कारण दोनों के कारण जो परिणामी बल का मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये आंसर आया, ठीक है समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसमें कह रहा है कि 5×10⁻⁴ कूलाम, तो जो आवेश दे रहा है क्यू इक्वल वो दे रहा है आपको 5×10⁻⁴ कूलाम, और इसके बाद आपसे कह रहा है कि इतने 2.25 न्यूटन का बल आरोपित करता है, तो बल आपको दे रहा है एफ इक्वल 2.25 न्यूटन, इतने का बल आरोपित करता है। अब आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता E निकालेंगे तो होता है F अपॉन क्यू नॉट या क्यू, तो E इक्वल F की जगह वैल्यू रखेंगे 2.25 और Q की जगह रखेंगे 5×10⁻⁴, 5 से काटेंगे 5 × 20 और 5 × 25, तो E का जो मान आएगा वो आएगा 0.45, ये ऊपर जाएगा प्लस का 4, उधर जाएंगे तो एक अंक उस तरफ जाएंगे जब तो घातें घटती हैं, तो उस तरफ जाएंगे तो एक घात माइनस की हो जाएगी 4.5, प्लस 4 में एक माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का 3, इतने न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद देखो ऐसे ही दे रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, इसको भी ध्यान समझिए, कह रहा है कि अल्फा कण इतने न्यूटन प्रति कूलाम 1.5 15×10⁴ दे रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता ई जो दे रहा है वो दे रहा है 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और अल्फा कण दे रहा है तो अल्फा कण पर आवेश आपको पता है क्या होता है, पहले न्यूमेरिकल में ही बताया था, क्यू इक्वल जो होता है वो होता है 3.2×10⁻¹ कूलाम। आपसे कह रहा है वैद्युत बल की गणना कीजिए, तो निकालेंगे इसमें वैद्युत बल, तो वैद्युत बल एफ
इससे देखो अगर एफ का मान निकालें तो क्या होगा, ई इंटू क्यू नॉट होगा या ई इंटू क्यू, क्यू लिखें या क्यू नॉट लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ई का मान रखेंगे 15 इंटू 10 की पावर 4, क्यू का मान रखेंगे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो यह आ जाएगा 15 दूनी 30 की 0, 15 तियाँ 45 और 45 और 3 हो जाएंगे 48, एक अंक बाद दशमलव है। 19 में 4 जाएंगे 15 बचेगा, एक अंक इस तरफ ले आएंगे तो 4.5 हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा इंटू एक अंक इस तरफ आएँ तो एक जुड़ जाएगा, तो माइनस के 15 में एक जोड़ेंगे आएगा माइनस के 14 न्यूटन। तो इतना इसमें क्या करेगा, बल कार्य करेगा। इसके बाद देखो 25 नंबर के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हीलियम कहें या अल्फा कण कहें, बात एक ही होती है। तो हीलियम पर आवेश, हीलियम पर जो आवेश Q होता है वो होता है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, वे अल्फा एक अल्फा कण के बराबर होता है। अब इसे कह रहा है, जो दूरी दे रहा है आपको वो कह रहा है एक एंगस्ट्रॉम की दूरी है, एक एंगस्ट्रॉम की दूरी है। फार्मूले सब पहले ही लिखा दिए थे आपको। अब एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4π ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मान जो हो गया 1/4π ε0 का, ये होता है 9 × 10⁻⁹। क्यू आपको दे रहा है 3.2 × 10⁻¹⁹ अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 10⁻¹⁰ का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻²⁰। अब देखो 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 27 और 1 हो जाएगा 28, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, ये 20 ऊपर जाएगा, 20 ऊपर जाएगा तो 19 में प्लस के 20 करेंगे, तो प्लस के 20 में माइनस 19 करेंगे तो बचेगा प्लस का 1, इसकी घात बचेगी 10 की घात 1 और 9 ये तो हो जाएगी 10, एक अंक इस तरफ दशमलव लाएंगे तो आएगा 2.88। इस तरफ जब आते हैं लेफ्ट साइड तो द घात प्लस में होती है तो एक घात जुड़ जाएगी, आ जाएगी 11, इतने न्यूटन प्रति कूलम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है 5.0 × 10⁻⁸ कूलम आवेश है, तो आवेश दे रहा है क्यू इक्वल 5.0 × 10⁻⁸ कूलम, 5.0 × 10⁻⁸ कूलम, इतने का आवेश और जो दूरी दे रहा है, कह रहा है कितनी दूरी पर रखा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर दे रहा है 450 न्यूटन प्रति कूलम। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ चुके हो, 1/4π ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इसी आर का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसकी वैल्यू जब रखेंगे इसकी, तो ये होता है 9 × 10⁹, क्यू आपको दे रहा है 5.0 × 10⁻⁸ अपॉन में आ रहा है आर स्क्वायर बराबर 450, 9 × 45, 45 से 45 कट जाएगा, कितना बचेगा 10, इससे काटेंगे जब तो ये माइनस 8 जब इसमें जुड़ेगा घटेगा तो इसकी घात क्या बचेगी, कट के केवल 10 बचेगा, और इस 10 से ये 10 कट गया तो ये 1/r² इक्वल जो आ गया वो कितने के आ गया, 1 के बराबर। तो r स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो r स्क्वायर बराबर 1, तो r बराबर आ जाएगा 1 मीटर। इतनी दूरी पर रख क्या होगी, इस आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 450 होगा। इसके बाद देखो 28 के बाद 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम, तो जो आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दे रहा है, तीव्रता का मान है ई इक्वल 1000 न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद आपसे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र से पूर्व
की ओर है, इसकी जो डायरेक्शन है वो पूर्व की ओर है। इस स्थान कह रहा है, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10^6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसका मतलब उस पर निगेटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कितनी है, 10^6। तो जो कूलाम आवेश होता है वो होता है एन इंटू ई, तो एन का मान 10^6 और ई का मान 1.6 × 10^-19। तो ये हो जाएगा 10^, ये आ जाएगा 1.6 × 10^-19 में 6 जाएंगे -13 कूलाम। ये आ गया आवेश का मान। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस पर कार्य करने वाला बल, तो वस्तु पर कार्यरत बल निकालेंगे। वस्तु पर कार्यरत बल, बल का जब मान निकालेंगे, F, F बराबर होता है E इंटू क्यू। तो F इक्वल, E का मान रखेंगे, दे रहा है 1000, और इंटू क्यू, क्यू का मान दे रहा है 1.6 × 10^-13। तो एफ इंटू, जितनी घातें होती हैं उतनी, जितने जीरो होते हैं उतनी प्लस की घात, 3 जीरो 3 प्लस की घात, तो 3 इसमें कम हो जाएंगे, तो बचेगा 1.6 × 10^-10 न्यूटन। इतने न्यूटन का बल कार्य करेगा। अब देखो, दिशा पूछ रहा है, तो ये समझो, देखो दिशा को समझिए। जैसे ये वाला, ये पार्टिकल है, ये कण है जिस पर ये बल कार्य कर रहा है। अब कह रहा है एक वैद्युत क्षेत्र है जो इधर से प्रबल है, ये पश्चिम की ओर लग रहा है, तो ये होता है पश्चिम, वेस्ट ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डायरेक्शन जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो वैद्युत बल रेखाओं के अनुदिश होती है। वैद्युत बल रेखाओं में बताया था आपको, इसका मतलब ये जो इधर बल वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, मतलब इस साइड कैसा आवेश होगा, यहाँ पे अगर जो भी कण होगा उस पर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इस पर ये कैसे चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो ये वाला इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस पर जो कार्यरत बल होगा इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब इस पर कार्य करने वाले बल की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। और ये कौन सी दिशा है, जब ये वाली वेस्ट है, ठीक है, पश्चिम दिशा है, तो ये वाली कौन सी होगी, ईस्ट होगी, पूर्व दिशा होगी। तो इतना बल किस दिशा पर कार्य करेगा, पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर। बात समझ में आई, अच्छा। ये कह रहा था इसमें पूर्व था, वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर कार्य कर रहा था, जब वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर था तो ये पश्चिम की ओर हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है, क्योंकि कण इस तरफ स्थित है, इस तरफ से वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। जब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब इस तरफ कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और ये है कैसा, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के दिखता है। तो इस पर ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इस पर होगा वो अट्रैक्शन बल लगेगा, ठीक है, आकर्षण बल। उसकी दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो ये डायरेक्शन क्या, अगर ये वाला क्या है, ईस्ट है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा की ओर। देखो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर कह रहा है 3 μC के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 μC बिंदु आवेश वायु में रखा है। तो दो आवेश है, एक है 2 μC, ठीक है, पहला है 3 μC, दूसरा है -2 μC। तो यह 3 μC, ये -2 μC, एक दूसरे से वायु में 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, 2 मीटर की दूरी पर इन आवेशों, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे हम ले लें कोई पॉइंट 1 मीटर, ठीक है, दोनों से 1 मीटर हो जाएगा, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी इवन, और इसके कारण माइनस के कारण माइनस की ओर होती है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम, और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो निकालेंगे बिंदु, पहले तो देखो Q1 जो दे रहा है 3 μC दे रहा है,
तो इसका मतलब हो गया 3×10⁻⁶ कूलाम। Q2 जो आपको दे रहा है वो दे रहा है −2 माइक्रो कूलाम, इसका मतलब हो गया −2×10⁻⁶ कूलाम। और जो अब दूरी दोनों से हो गया, R का मान वो दे रहा है दोनों के लिए जो दे रहा है वो दे रहा है 1 मीटर। अब निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालेंगे तो E का मान होता है E1 + E2। क्यों होगा प्लस? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। तो E=E1 का मान बिंदु आवेश के कारण 1/4π ε0 Q1/R, क्योंकि दूरी सबके लिए कितनी है? R है, +1/4π ε0 Q2/R स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर देंगे। हमें कॉमन क्या मिल रहा है? 1/4π ε0 1/R² कॉमन मिल रहा है। इसमें बचेगा Q1, इसमें बचेगा Q2। इसका मान होता है 9×10⁹, और 1/R, R दे रहा है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। Q1 दे रहा है आपको 3×10⁻⁶ प्लस Q2 लिखेंगे तो ये माइनस लेते नहीं, माइनस केवल डायरेक्शन बताता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो हो जाएगा 2×10⁻⁶। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 9×10⁹। ये 3 और 2 जुड़ के हो जाएंगे 5×10⁻⁶, 9 पना हो जाएगा 45×10⁻⁶ जाएंगे बचेगा 3। दशमलव यहाँ मानेंगे, एक अंक किस तरफ लाएंगे तो 4.5, लेफ्ट साइड चलते हैं जब बाएं साइड, तो एक घात प्लस में होती है तो 1 बढ़ जाएगी, तो आएगा 4। इतने न्यूटन प्रति कूलाम यही आ जाएगी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन दोनों की दिशा क्या है? −2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर। तो क्या होगी दिशा? क्या होगी? −2 इतने न्यूटन प्रति कूलाम, −2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर, आवेश की ओर। ये होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? नोट कर लीजिए।